गाइस, एक मिनट। तो ये बात शुरू थी कम से कम 1-2 महीने पहले कि हमारी ट्रिप डिसाइड हो रही थी। तो पहले हमारी ट्रिप डिसाइड हुई कि हम जाएंगे चेन्नई, फिर कुछ जमा नहीं चेन्नई, फिर हुआ डिसाइड कि जाएंगे हम मुंबई। मुंबई भी डिसाइड नहीं हुआ, मतलब हुआ लेकिन जमा नहीं। क्रिसमस है ना, इसलिए अभी क्रिसमस आने वाले। फिर हमारा डिसाइड हुआ कि महाबलेश्वर जाएंगे हिल स्टेशन, लेकिन वो भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा सोचा और समझा, हमने नहीं मतलब हमारे वो स्कूल वालों ने। फिर आखिर में डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे द्वारका वाटर पार्क। देखो मतलब ठंडी में नहाने जाना और ठंडे पानी में और ठंडी जगह जाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। मतलब ये किस काम का है ठंडी जगह के लिए? मतलब ठंडे पानी में नहा सकते लेकिन ठंडी जगह स्वेटर पहन के नहीं जा सकते। तो चलिए अभी द्वारका जाते हैं, कैसा है। तो देखो व्लॉग बनाने का यही मतलब है कि वीडियो नहीं आने वाला था, लेकिन यादें रखने के लिए व्लॉग बनाना पड़ता। और क्या बोलते हो, और वो अलग बात है कि मेरे चैनल की रीच थोड़ी डाउन जा रही थी इसलिए। और ये 10वीं का साल बोले तो बीच बीच में बहुत सारे हादसे हुए। हमारा एक दोस्त था, वो अभी चला गया, उसका एक दुख है कि चले गया वो करके। तो अभी 10वीं का बोले तो एकदम बेकार जा रही है 10वीं की लाइफ देखे तो। तो ये एक दिन अच्छा आता है कि ट्रिप के दिन जाएंगे करके। तो ठीक है, अभी निकलते ट्रिप के लिए। तो अभी आ चुके अपने स्कूल के पास, रेडी वगैरह हो चुके और बस भी आ चुके अभी। तो सुफियान टाइम कितना हो? 5 बजने को 5 मिनट। 5 बजने? अच्छा, 6 बजने को अभी 5 मिनट बाकी है। रेडी वगैरह हो गए पूरा, स्वेटर वगैरह पहन के। तो अभी सब आने के हैं, कुछ दोस्त लोग बाकी आने के लिए। बस आ चुकी है, अभी थोड़ी देर रुकते फिर जाएंगे। अभी सब आ गए तो मिलते अभी थोड़ी देर में सुफियान भाई। देखो ये आ गई अपने स्कूल कुते पाटिल कॉन्वेंट, उधर बस खड़ी अगर दिख रही होंगी तो। अच्छा ये भाई, ये बाकी लोग आ चुके इधर। अच्छा ये रहा हमारा स्कूल, अभी आएंगे और निकलेंगे थोड़ी देर में। इधर खड़ी है बाकी की अपनी बस। इधर सब दोस्त लोग आ चुके, अंधेरा है तो कुछ दिख नहीं रहा। ये अपने भाई लोग, आवाज आ रही होंगी तो अच्छा है। ये अपने दोस्त लोग, ये दूसरी ट्रैवल्स भी आ चुके अभी, एक गर्ल्स एक बॉयज के लिए। ये अपनी होगी शायद अपनी बस अंदर से। ऐसे कुछ है ये भाई, एजुस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सबसे पीछे अपनी जगह 10वीं वालों के लिए बुक, ड्राइवर भैया मैं नहीं दिख रहे थे और इधर थोड़ी थोड़ी दिख रही है शायद। ये अपने भाई लोग अभी दिख रहे हैं अच्छे से। हाय गाइस, हाय गाइस, बाकी के उधर है अभी। हाय गाइस, ये अभी दोनों बस आ चुकी है, इधर भाई लोग खड़े हैं इधर। तो अभी मैम का बुलावा आया है, अभी जाएंगे। तो मैम का भी बुलावा आया है तो अभी हम जाएंगे। अरे आ रहा ना, तो अभी निकलेंगे अभी थोड़ी देर में सुफियान भाई। तो चलिए चलते हैं। 6 बजे का निकलने का टाइम था, अभी 6:30 बजे। और अभी बच्चे लोग जा रहे हैं अभी ट्रैवल्स में बैठने, और अब थोड़ी देर में अपन भी जाएंगे। एडजस्ट करके बैठ चुके हैं पूरे 10वीं वाले, पीछे की सीट में 7 के 7 लोग बैठ चुके हैं। 10 अपने भाई लोग। अभी हम बैठे पीछे में सारे जन, अभी थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुर, अभी थोड़ा ब्रह्मपुरी के आगे पहुंच चुके हैं। अभी ब्रह्मपुरी के थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं। ये अपने भाई लोग इधर अभी मस्त गाने बज रहे हैं, मस्त नाच रहे हैं अभी। अपन आ चुके हैं भीवापुर में, यहाँ पे अपनी बस रुकी है तो अभी रुके, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे। अपने दोनों ब्लॉग्स यहाँ पे रुकी है,
तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे फिर जाएंगे। अभी हम नागपुर के पास पहुंच रहे हैं। ये रास्ता है, मोबाइल गिर जाएगा। नागपुर के पास पहुंच रहे अभी। तो अभी वहाँ पे मिलके मतलब अभी थोड़ा सा गाना वाना किया, मतलब नाच वाच किया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे जाके थोड़ा सा रुकेंगे और नहीं अभी सीधा उधर ही रुकने वाले हैं, द्वारका में जाके नाश्ता करेंगे। तो मिलते हैं अभी द्वारका में। नागपुर आ गई है, नागपुर बोलते अभी द्वारका पहुंच चुके हैं। द्वारका का बोर्ड, इधर गर्दी लग रही है अपने लोगों की, अपने स्कूल के बच्चे। दिस भाई दिख रहे क्या, तभी जा रहे अंदर। ऐसी कुछ एंट्री है भैया जी, जा रहे अंदर। पहले शायद से नहाने लेके जाएंगे ये भाई। ये रेसिंग लग रही है यहाँ पे, बाकी क्या आ रहे पीछे। मैम का भी ले लो, मैम लोग भी आ रहे हैं पीछे। अभी मुझे इंटरेस्ट भैया जी, अभी यहाँ से जाएंगे सीधे। ये देखो ऐसा कुछ है इसका एंट्री, इधर सोने के घोड़े। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है पानी वाला, फिर बाद में ये यश भाई, यश हाय। अभी जाएंगे पानी में, देखते हैं। शायद हो सकता है कि पानी में मोबाइल नहीं गया है तो पानी के क्लिप्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए माफ़ कर देंगे। सब दोस्त चिल मारते हुए बैठे, क्या करें अभी बारी आने की हमने कॉस्ट्यूम लेने के लिए। सकता कि पानी में वीडियो निकालने ना मिले, तो इधर ही निकाल लेता मैं। सलाम है यहाँ का नजारा, वो देख नमूने। क्या करता उनको चुके पानी से बाहर निकल के आ चुके हैं ये भाई। हाय गाइस बोलना भाई। हाय गाइस बोलना ही पड़ता क्या, अच्छा क्या बता दिया। हाँ तो अभी फुल रेडी हो चुके, पानी में गए थे अलग कपड़े से, अभी आए अलग कपड़े से। तो अभी शायद खाना वाना खिलाएंगे अगर मन होगा तो। क्या बे गौर से देखिए, अभी खाना खाएंगे फिर आगे जाएंगे। थोड़ा सा वोटर मतलब फोटो खींच हो गई है, तो और खींच रहे ये भाई भी और खींच रहे फोटो, आ रहे होंगे तो सही। अभी बुलाए, पहले बताया था कि खाना खाने जाना है, लेकिन हम कैसे लौंडे, पहले फ़ोटो खींचेंगे फिर जाएंगे। अभी जाएंगे और जहाँ बुलाया वहीं पे जाएंगे, ठीक है। हो चुका है फ़ोटो वगैरह खींच के, तो अभी जा रहे लॉकर रूम में, बुलाया हमको मैम ने, तो अभी जा रहे उधर ये साले भाई लोग। अभी उधर का दिखा देते हैं आपको, इंदर वाले भी। तो यहाँ पे थी वेव्स, यहाँ पे थे बच्चों का, तो उधर पे झूले, उधर पे झूले, ये था ऐसा द्वारका का। चलो अभी जाते हैं क्योंकि मैम ने बुलाया, फिर बाद में दिखाता। नाश्ता करने फाइनली बुला लिए हमको खाना खाने के लिए इतनी देर बाद, तो अभी जाके खाना खाते। यहाँ पे सब जमा हो रहे, सब स्कूल के, तो अभी खाना खाएंगे अगर मिलेगा तो सही, दे रहे तो सही। नाश्ता करके फिर जाएंगे स्लाइड वगैरह घूमने। अभी सब यहाँ पे दोस्त लोग रुके कि खाना वाना कुछ तो भी मिलेगा, लेकिन आधे घंटे से एक खाना नहीं मिला हमको, साला भूखा पेट घूम रहे इधर। आगे क्या, चलो जाते अभी बुलावा आया। तो अभी हमने नाश्ता कर लिए, पोहा वगैरह। तो अभी जा रहे हम गार्डन में, अभी मिलते गार्डन में झूला झूलते। ये इधर झूला दिख रहा है, ये शायद ये बंजी जंपिंग का ही है। मैं तो नहीं खुदने वाला साला, मैं तो खुदे क्या करे बंजी जंपिंग। हाँ तो देखेंगे, अगर जो अच्छा लगा सूट हुआ उसमें झूलेंगे, कहीं कहीं फालतू में झूलेंगे इसमें। चलो अभी
पैसे के लिए इनको बताओ क्या बहुत टॉर्चर करते हैं इनको ये काम करवाने के लिए। मैं तो नहीं बैठने वाला इस बेचारे पे, जिम्मेदारी भी बस शायद से अपन पहले एक्वेरियम झूले ए टकले भाई माजा वीडियो बना तो ये एक्वेरियम ऐसा कुछ मीटिंग भी है इसमें। एक्वेरियम में जाना शुरुआत तो अभी जा रहे अपन एक्वेरियम के अंदर। यहाँ पे मच्छर भी मिलते बोलते बड़ी बड़ी, चलो ना भैया। ये मच्छर आवाज आ रही होंगी तो ठीक। नाम नहीं पता इसका, चलो थोड़ा आगे जाके देखते सब मच्छर देखेंगे। शायद से यहाँ पे व्लॉग करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मिल गया थोड़ा सा मच्छी। ये कैसे है भाई, दाढ़ी वाली है पूरी? एक एक करके देखते हैं ये कौन सी है पता नहीं। इस साइड का कॉर्नर भी देखने का है। अभी जैसा सोचा था वैसा नहीं था भाई, शार्क वार्क होंगे करके। अरे बाप रे क्या हो गया रे इसे। क्या ही बड़ी मछली है भाई, बहुत ही छोटे छोटे भी। कितने बड़े हैं सफेद वाली, महिला भी कुछ करना भी पैसे दे के आए तेरे को देखने के लिए। महिला भी सांप है, इधर सांप है, इधर और एक इधर कमलिया, इधर पता नहीं कुछ भी नहीं है। इधर किधर है बी पाइथन है? हाँ पाइथन है ये। चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं। अरे वो देख रहे हैं मिट्टू, देख बड़ा वाला मकाऊ। अरे भाई हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। दूर से निकालो। अच्छा ठीक, तेरा मिट्टू नहीं है वो, पता तभी। हाँ यही तो देखना था, ये असली एक्वेरियम। ऐसा नहीं लगता कि बड़ी छोटी जगह पर रख दे पक्षी को, पाँच वाँच फोड़ दिए ना, मैं भागता ही इधर से। इधर मच्छी है, इधर थोड़े छोटे छोटे मच्छी, बहुत छोटे छोटे मच्छी है भी इधर। इधर है बड़े साइज वाले, सब बोलते बोलता बहुत बड़े बड़े रे इधर मच्छे। इधर कोई नहीं है, मजा ली भाई। भाई एवढे स्विमिंग करण्यात मजा आली का नाही?
मरेली मच्छी देख के आई ज़्यादा कुछ नहीं था बस मच्छी देख के आए अगर रहा रहे तो खा लिए रहे उधर शायद भूत बंगला है जाएंगे और भूतों को मार के आएंगे चलो अबे जाएंगे बहुत ही डरावना है गर्दी होते हुए अभी आराम आराम से जाएंगे शायद ऐसा तो लग नहीं रहा जाने तो दो बाद में निकालो पहले चलो अबे यार जाने नहीं बाद में जाने बे भाई क्या नजारा है बे अंदर का भूत बंगला बोलते हैं कुछ भी नहीं था साला अंदर बोलूंगा कि डर लगेगा या तो उल्टा हंसी आ रही थी उनको देख के तो अभी अपन जाएंगे जीप लाइन में जल्दी जल्दी जाते क्योंकि वहाँ पे अभी गर्दी बढ़ने वाली है वैसे दिख भी कम रही है लेकिन जाके देखते थोड़ा सा मजा आएगा ये बाकी के झूले इधर तो पहले अपन जा रहे जीप लाइन में चलो जाते कैसा लगता था तो अभी हम यहाँ पे जीप लाइन में घूमने ये यश भाई अभी रुके जिप लाइन के लिए अपने बारे के लिए साला बहुत देर लगती इसमें लेकिन मज़ा बहुत आता अभी करेंगे जिप लाइन ये कुछ नज़ारा है यहाँ का एक और बार दिखा रहा और दिखा नहीं कुछ है देख लो एक बार ये बंची जंपिंग अभी बजट है 4:30 6 बजे के आसपास हमें निकलना है यहाँ से तो अभी घूमते जितना घूमने को मिलता तो अरे फाइनली अपनी बारी आ चुकी है जिप लाइन के लिए ये सामान लेके जा रहा हूँ उधर अभी जिप लाइन करेंगे अभी उधर बढ़िया वाली आराम आराम से जाता धीरे धीरे सालों का देर लगा था तो जिप लाइन भी झूल ली है ये झूला भी झूल लिया अभी जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास मिलने शायद से अभी कितने बज गए अभी बज चुके हैं 5:15 तो अभी 5:30 बजे तक के जमा होंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से अभी झूले झूल लिए पैर भी दर्द कर रहे हैं अभी यहाँ पे आके कुछ खा लेते क्या अभी पूरे दोस्त लोग भी इधर उधर बिछड़ चुके तो देखते कि मिल जाएंगे इधर उधर तो अभी मस्त झूला बुला झूल लिए अभी यहाँ पे सब जमा हो रहे अभी निकलेंगे यहाँ से पार्क में 700 रुपये टिकट है मज़ा आया लेकिन उतने पैसे वसूल नहीं हुए मैं बोल रहा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेकार में और थोड़ा अच्छे में लेकिन मज़ा ज़रूर आया आने के बाद और अभी यहाँ पे जमा हो रहे पीछे दिख रहे होंगे तो अभी सब जमा होंगे और निकलेंगे यहाँ से खाना हो चुका है इस जगह पे हमने खाना खाया था अभी सब रेडी हो रहे जाने के लिए अंधेरा है तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी सब रेडी हो रहे अभी सब जाएंगे बस में बैठ के अभी बैठ चुके यहाँ पे एकदम कोने में अभी आ रहे अभी निकलेंगे थोड़ी देर में बस निकलेगी अभी यहाँ से लिए रुके हम इधर वॉशरूम जाना है जिसको जो जाए अभी हम उमरेट के पास पहुँचे अभी शायद से एक या फिर हाँ 1 घंटा ही लग जाएगा अभी जाने के लिए यहाँ से तो वापस आ गए अभी द्वारका से तो देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं गई ट्रिप जैसा सोचना चाहिए था हैदराबाद में कैसे मज़ा भी आया जैसी हैदराबाद के गए ऐसी ट्रिप नहीं गई उतनी अच्छी भी नहीं लगी ये ट्रिप तो मैं तो इसको 6/10 दूंगा उतना मज़ा नहीं आया देखो खाने की सर्विस उतनी खास नहीं थी ठंडा ठंडा खाना दिया बार बार इसलिए देख रहा कि पीछे मेरे बंदर बैठा है इसलिए मोबाइल लेके ना चल जाए तो द्वारका उतना अच्छा नहीं लगा जितना सोचना चाहिए था उतना पैसा वसूल तो नहीं हुआ लेकिन देखा जाए तो अच्छा हुआ अगर पहले ही डिसाइड कर लेते कि इधर जाना है तो अभी मैं द्वारका नहीं अभी मैं महाबलेश्वर में ब्लॉग बनाया होता तो अगर वीडियो क्लिप्स दिखे तो बहुत कम वीडियो क्लिप्स बनाए क्योंकि मेरे को भी थोड़ा इंजॉय करने का मौका मिला और
व्लॉग के पीछे रहता तो शायद थोड़ा इन्जॉय करने नहीं मिल जाता, इसलिए बहुत ही कम क्लिप्स आई है। और अगर मेरा वीडियो देखा जाए तो मैंने काफ़ी वीडियोस उठाया मेरे दोस्त के यहाँ से, फ़ोन के यहाँ से नहीं क्या, जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो। एक दोस्त की कमी से मतलब उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था कि जैसे हैदराबाद में लगे करके। तो ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि वीडियो आ सकता है या नहीं आ सकता। तब तक के लिए गुड बाय।